स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। जबलपुर में कैंडल मार्च निकालकर कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ हुई जघन्य घटना एवं बांग्लादेश में हिंदू बंगाली परिवारों पर हो रहे अत्याचार का विरोध जताया। हाथों में काली पट्टी बांधकर मोमबत्ती लेकर मार्च निकाला गया। मौन जुलूस में कोलकाता में हुई घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दिवंगत छात्रा को मौन श्रद्धांजलि भी दी गई। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू बंगाली परिवारों पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़, इस्कॉन मंदिर के पुजारी पर हमला और कोलकाता में महिला चिकित्सक से दरिंदगी के विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। संवाददाता कदीर अंसारी। कोलकाता में पिछले दिनों मेडिकल छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद उसकी जो मौत हुई और उस मौत के बाद अभी तक अपराधियों को सजा ना दिला पाना, इन सब को लेकर बंगाली समाज जबलपुर में आक्रोश था और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज मौन जुलूस के रूप में कैंडल मार्च निकाला गया, जो बंगाली क्लब से करमचंद चौक, नौद्रा ब्रिज, तीन पत्ती, मालवी चौक होते हुए यहीं पर समाप्त हुआ। और कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य ये था कि जो मेडिकल छात्रा के साथ जो कोलकाता में घटनाक्रम हुआ है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, लोगों में सुरक्षाओं की भावना पनपे और पीड़िता के साथ जो हुआ उस परिवार के साथ हम सभी बंगलाभाषी खड़े हैं, यही उद्देश्य था। साथ ही पिछले एक माह से बांग्लादेश में जो हिंदू परिवारों के साथ, बंगाली परिवारों के साथ जो घटनाक्रम हो रही है, उनके धार्मिक स्थान को तोड़ा जा रहा है, उनको बांग्लादेश से बाहर निकालने की साजिशें रची जा रही हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये आज कैंडल मार्च निकाला। और हमारा सरकार से यही मांग है कि उनके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, साथ ही पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ है उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रकाश शाह, सचिव सिटी बंगाली। आज सिद्धिवाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के बैनर तले हम सब प्रवासी बंगाली यहाँ से एक मौन जुलूस कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में लड़की के साथ काम हुआ, बहुत ही जघन्य कार्य है और इसके लिए कितना भी बोला जाए बहुत ही कम है और निंदनीय है। हम सब चाहते हैं जो ममता की सरकार वहाँ आँखों में पट्टी बांधे और कान में रुई डाले बैठी हुई है, वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो आरोपी है उसको ऐसी कड़ी सजा दे ताकि उसको देख के दूसरे भी ऐसा कुछ करने के पहले चार बार सोचे और आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। नारी हो के नारी का अधिकार जरूर दे। तृष्णा चटर्जी, सिद्धिवाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन। आयोजन किया गया जिसमें आज हजारों बंगाली समाज के लोग शामिल हुए। जो बंगाल में जघन्य अत्याचार हुआ है एक महिला छात्रा डॉक्टर के साथ, उसके विरोध में और साथ में बांग्लादेश में जो हिंदुओं को अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। ये मौन जुलूस करमचंद चौक बंगाली क्लब से स्टार्ट होकर नौद्रा ब्रिज से होकर तीन पत्ती चौक होते हुए और मालवी चौक के बाद फिर यहीं पर आके सम्पन्न हुआ। पूरा मौन जुलूस था, इसमें हजारों बंगाली समाज के लोग शामिल हुए और आने के बाद यहाँ पे एक मिनट का मौन धारण किया गया। और सभी बंगाली समाज के लोगों की ये मांग है कि जो अत्याचार बंगाल की एक डॉक्टर छात्रा के साथ हुआ है उस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई हो और ऐसा सबक मिले कि भविष्य में ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, यही बंगाली समाज की मांग है। और बांग्लादेश में जो हिंदू लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए तत्काल, बांग्लादेश की सरकार इसको बंद करे, उस संबंध में भारत सरकार से अनुरोध है। मैं दीपांकर बैनर्जी।